हेलो एवरीवन, दही बड़ा बनाने के लिए मैंने लिया है यहाँ पर वाइट उड़द दाल। इसी से ही जो है दही बड़ा बनता है। इसको मैंने सबसे पहले इसको अच्छे से धो लिया था 5-6 बार। उसके बाद मैंने फुल नाइट तक इसको भिगो के रखा था। तो ये पूरे भिगो देने के बाद ये इस तरीके से दिखते हैं। इसको हम अच्छे से छान कर और इसे हम पीस लेंगे और इसका एक बैटर बना लेंगे। हमें गाढ़ा में पीसना है। तो ये देखिए मैं पीस चुकी हूँ इसमें। अब जो है इसमें पीसने के बाद इसमें हम जो है साबुत ज़ीरा ऐड करेंगे थोड़ा सा। ये मैं पहले ऐड कर चुकी थी तो आपको वीडियो दिखाने के लिए मैं थोड़ा सा इसमें ज़ीरा ऐड कर रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा फिर हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो ज़ीरा डाल देने से टेस्ट इसकी अच्छी लगती है। एक छोटी चम्मच आप ज़ीरा डालना और अच्छे से हम इसको फेंट लेंगे। फेंटने के बाद हम इसको चेक करेंगे, भरे ग्लास पानी में इसको हम डाल कर देखेंगे। अगर ये ऊपर की ओर आ जाता है तो समझो कि जो हमारा जो दही बड़ा वाला जो बैटर है वो अच्छे से जो है तैयार हो चुका है। इसमें मीठा सोडा वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं, बहुत अच्छे तरीके से जो ये फूलती है। फिर हम पकौड़े तलेंगे। बिल्कुल तेल जो है एकदम हीट होना चाहिए, मीडियम फ्लेम पर हमें इसे फ्राई करना है। और पकौड़े बिल्कुल तेल में जो है डीप हो जाए अच्छे से, उतना हमें ऑयल रखना है छानने के लिए। ये देखिए बिल्कुल मेरा जो पकौड़ा है वो डीप हो जा रहा है ऑयल में, तो उस तरीके से हमें रखना है। तो हमें मीडियम फ्लेम पर इसे जो है पकाना है, हाई फ्लेम पर नहीं पकाना है, नहीं तो अंदर के जो है पार्ट कच्चे रह जाएंगे। जब तक ये गोल्डन ब्राउन हो रहा है तब तक हम दूसरी तरफ दही की तैयारी कर लेते हैं, जिसमें हम दही बड़ा को डीप करके दही के अंदर डालेंगे। तो दही मैंने यहाँ पर 1/2 kg लिया है और ये थोड़ा गाढ़ा है। इसको थोड़ा सा पतला करने के लिए या फिर जैसा आपको पसंद है वैसा आप दही का जो है बैटर बना सकते हैं। तो ये मेरा दही का बैटर बिल्कुल तैयार है, ना पतला ना ज़्यादा गाढ़ा। तो फाइनली ये गोल्डन ब्राउन हो चुका है, अब इसे हमें निकाल लेना चाहिए। कितना सुंदर दिख रहा है, देखिए गोल्डन ब्राउन हो चुका है। तो अब इसे हम क्या करेंगे, छान कर जो है हम पानी में डायरेक्ट डालेंगे, ठंडे पानी में, मतलब नॉर्मल पानी में। तो हमने इसको निकाल लिया है। निकालने के बाद हम जो है नॉर्मल पानी में इसे डालेंगे ताकि अच्छे से जो है फूल जाए। बिल्कुल गर्म गर्म ही डालना है। इस तरीके से हमें डिप कर देना है फिंगर के थ्रू। अब इसमें हम क्या करेंगे, 4-5 मिनट बाद ये जो पकौड़े हैं फूल जाएंगे। इसको इस तरीके से हम प्रेस करके पानी को निकाल लेंगे। इससे क्या होता है दही जो है इसके अंदर बिल्कुल अंदर जो है अब्सॉर्ब हो जाएगा। इस तरीके से हमें प्रेस करना, ध्यान रहे कि जो पकौड़े वो फटे नहीं। तो सारा मैंने इसमें जो है पकौड़े दही के अंदर डाल दिया है। ये देखिए फूल कर कितना सारा हो गया और कितने बड़े बड़े हो चुके हैं। तो और भी मैंने पकौड़े इसमें ऐड किया है। अब आती है बारी मसाले की। तो मैंने इसमें मसाला जो है मैं बना कर रखती हूँ डब्बे में। तो इस मसाला की खासियत ये है कि इसमें जो है धनिया है, ज़ीरा है और लाल मिर्च है, यानी कि साबुत धनिया, साबुत ज़ीरा और साबुत लाल मिर्च सारा एक ही क्वांटिटी में होगी। और इसको हम जो है तवे पे मीडियम फ्लेम पर इसे बिल्कुल ब्राउन कर और इसे हम मिक्सर में पीस देंगे। गज़ब का इसका फ्लेवर आता है अगर हम दही बड़ा में इसको ऐड करके हम खाएं। तो आप ज़रूर इसको बनाइएगा। अगर मेरी ये मसाला ख़त्म हो जाएगी तो फिर मैं दोबारा अगर बनाऊंगी तो मैं वीडियो अपलोड कर दूंगी, आप उसमें आप देख सकते हैं। अदरवाइज़ मैं इसमें कुछ भी ऐड नहीं करूँगी, इमली चटनी, हरा धनिया। मुझे इसी मसाला से टेस्ट दही बड़ा का बिल्कुल परफेक्ट लगता है। तो अब इसको हम सर्व करते हैं। तो मैंने इसमें ले लिया है बाज़ार वाली कटोरी जिसमें कि मिलते हैं दही बड़ा। ये देखिए दही बड़ा की साइज़ कितनी बड़ी हो चुकी है और फूल चुकी है अच्छे तरीके से। तो मैं इसमें 2 पीस निकाल लूँगी, साइड से निकाल लेंगे हम। अगर आप चाहते हैं दही आपकी गाढ़ी हो तो आप ऊपर से भी ऐड कर सकते हैं, अलग से मथनी से मह कर और उसमें नमक ऐड करके ऊपर से भी डाल सकते हैं। और इसमें हम जो है फाइनली इसमें जो मैंने मसाला आपको दिखाया था वो ऐड कर देंगे ऊपर से। इस तरीके से हमें छिड़क देना है।
तो ये मेरा जो है दही बड़ा बिल्कुल तैयार है। आप चाहें तो हरा धनिया या फिर इमली चटनी ऊपर से डाल सकते हैं, क्योंकि मुझे इसके वजह से मुझे ज़्यादा कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती, तो मैं पसंद करती हूँ ऐसा ही दही बड़ा खाना। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल हुआ होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच गाइज़।